हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राजकिशोर सिंह 90 से 91 में छात्र राजनीति से चर्चा में आए। वो एपीएन कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2000 में जिला पंचायत सदस्य बने और वर्ष 2002 में बसपा की टिकट पर हर्रैया से लड़े और पहले ही प्रयास में जीत गए। बसपा की सरकार बनी और मंत्री बन गए। पहली बार वे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए। वर्ष 2003 में मायावती का तख्ता पलट होने के बाद राजकिशोर 40 विधायकों के साथ सपा में शामिल हो गए। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने और वे मंत्री विभाग वाही रहा। इस तरह वे वर्ष 2007 तक सपा सरकार में मंत्री रहे। वर्ष 2007 से 2012 तक प्रदेश में बसपा की सरकार रही और वो सपा से विधायक। सत्ता बदली और एक बार फिर राजकिशोर सिंह का कद बढ़ गया। वर्ष 2012 में वो लगातार तीसरी बार विधायक और मंत्री बने। तीसरी बार ही मंत्रिमंडल में उद्यान विभाग ही मिला, लेकिन वर्ष 2014 में विभाग बदलकर लघु सिंचाई मंत्री बना दिया गया। वर्ष 2015 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद इनका सरकार में अचानक कद बढ़ गया। भाई का एमएलसी का टिकट कटा तो मुख्यमंत्री ने राजकिशोर को पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त प्रभार और भाई ब्रजकिशोर सिंह डिंपल को ऊर्जा सलाहकार जैसा पद देकर संतुलित किया। इस बीच राजकिशोर पुत्र को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने में सफल रहे। वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।